दोस्तों, जय मुरलीधर, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। तो देखिए, अभी फ़िलहाल शाम हो चुकी है, मेरा सारा काम डन हो चुका है। मैं सुबह मिलना चाहती थी आप सबसे, लेकिन सुबह सुबह मॉर्निंग में कुछ पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि ध्रुवंश की स्कूल का टाइम है, सब काम सब मिक्स हो जाता है, तो सुबह सुबह मिलना नहीं होता। तो अभी फ्री हुई हूँ तो सोचा चलो आज देर से ही सही, लेकिन एक ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ अपना। तो ध्रुवंश भी अभी आता ही होगा, तो मेरा सारा काम डन हो चुका है। और सुबह मैंने सारे कपड़े वॉश करके डाल दिए, तो अभी सूखे नहीं है, क्योंकि ना तो बारिश तो नहीं आ रही है, लेकिन ये सारा एटमॉस्फियर ऐसा है कि बारिश आएगी आएगी लेकिन आ नहीं रही है, तो धूप भी नहीं निकल रही है, तो कपड़े तो सारे सूखे नहीं हैं, लेकिन सूख जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर मैं इस तो अंदर वाले रूम में डाल दूँगी फैन के नीचे, तो सूख जाएंगे। और महेंद्र अभी उस कल उसकी जॉब थी तो अभी सो रहे हैं, अभी उसको उठाऊँगी, चाय बनाऊँगी और तब तक ध्रुवंश भी आ जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, कुछ नया करते हैं आज। तो देखिए, यहाँ पे ध्रुवंश और ध्रुविल भी आ चुके हैं और महेंद्र भी उठ चुके हैं, तो चलिए मैं चाय बनाती हूँ। देखिए, आते ही यूनिफॉर्म चेंज के करके कुछ खाया, खाना पीना कुछ नहीं है और खेलने में ही लग गए हैं। वो वहाँ पे कुछ कर रहा है, ये इधर कुछ कर रहा है और ये इधर कुछ कर रहा है। दोनों भाइयों को खेलने के अलावा खाना पीना कुछ नहीं सूझता। तो चलिए, तपेली लाना तो भूल गई, तो चलिए चाय बना लेती हूँ। चाय बना के पी लेते हो, तो भी मैं चाय रख दूँगी, टाइम हो चुका है। तो पहले थोड़ा सा पानी ले लेते हैं मटके में से। बना दूँ पहला चाय, बना दूँ गए हो? यस यस। तो ये भी उठ चुके हैं और मैं, पानी उबल चुका है तो चाय पत्ती डाल देती हूँ चाय में। आजकल तुलसी के पत्ते वाली चाय पीना बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़े एक दो तुलसी के पत्ते भी, अदरक तो अच्छा लगता ही है, लेकिन तुलसी वाली चाय बहुत अच्छी लग रही है आजकल, तो तुलसी के पत्ते लेके डाल। तो देखिए, बारिश के बाद तुलसी जी कितने सारे ग्रोथ हो गए, और इसकी पत्तियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी है, तो मैं इनमें से दो से तीन पत्ती ले लूँगी और अच्छे से चाय में डाल दी है, और चाय भी उबल जाए उसके बाद मैं दूध डालूँगी। तो ध्रुवंश को खाना है बनाना दूध में डाल के, तो उसके लिए मैं बनाना दूध में डाल के दे दूँगी, और उसके बाद चाय, पहले चाय में दूध डाल देती हूँ उसके बाद बनाना दूध में डाल के दूँगी। तो तपेली खाली हो चुकी है, तो उसको भी वॉश करके दूसरा दूध उसमें डाल के गर्म कर दूंगी। तो चलिए, उन दोनों को दूध में बनाना डाल के दे देती हूँ। देखिए, इस तरह से दोनों केले के टुकड़े करवाते हैं, उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के दूध डाल के दोनों खाते हैं। यमी लगता है ऐसा? ध्रुविल, मज़ा आता है ऐसा खाने में बनाना? चलिए, दोनों को दे देती हूँ। ये लो, मिक्स कर लो अच्छे से। भाई ने तो कर लिया, तुम नहीं कर पाओगे, कर लो। और मेरी चाय भी उबल रही है, चलिए हम भी चाय की एंजॉय कर लेते हैं। चाय चाय को फैल चुका है।
वो सरसों में से छोटे छोटे वो ली है, तो उसमें छोटे छोटे जो कंकन है उसको मैं साफ़ करना है। तो मैं अभी फ़िलहाल फ्री हूँ, तो मैं ये काम भी करूँगी और उसके बाद थोड़ी देर बच्चों के साथ खेलेंगे, उसको खिलाएंगे, इस तरह से करेंगे। और आज दाल और चावल ही बनाने हैं शाम को, तो वो भी मैं बनाऊँगी। तो चलिए फ़िलहाल चाय पी लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। देखिए हमने चाय पी ली, चाय पी रहे थे और बारिश आ गई, देख सकते हो आप। और मैं चाय पी रही थी तो महेंद्र कपड़े ले रहे थे, तो उसने दुपट्टा ऐसे ही रख दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अब फिर से धूप निकल चुकी है, ऐसे ही थोड़ी सी आके चली गई है। तो अभी मैं थोड़े से चाय के बर्तन मांजूंगी, यानी कि क्लीन करूंगी, उसके बाद थोड़ा सा वो क्लीनिंग करूंगी, और सरसों और रई और राई और मेथी दाना। तो चलिए सब कुछ फटाफट से कर लेते हैं। इधर देखिए महेंद्र वो मसाला खा रहे थे, यानी के मावा जो हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं वो खा रहे हैं। तो पीछे मैंने शूटिंग ली तो पीछे मुड़ कर सुपारी खा रहे थे। और देखिए ध्रुवंश और ध्रुविल यहाँ पे खेल रहे हैं, क्योंकि कितने बहुत दिनों बाद, आई थिंक 15-20 दिन हो गए होंगे हम ऊपर नहीं आए हैं। लास्ट हमने जो ये लिक्विड लगाया था तब आए थे, तब से हम ऊपर ही नहीं आए। तो ये दोनों को तो मज़ा आ गया। और यहाँ का व्यू भी मैं आपको दिखा देती हूँ, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, देख सकते हो आप। ए देखो इसने पूरे कपड़े भिगा दिए, पानी में बैठ गया था तो। ए ए ए पूर्वी जो लो पानी में बेही ने पलाड़ा कपड़ा। तो देखिए वहाँ पे भेड़ बकरियाँ जा रही है, शायद दिखे ब्लर हो रहा है आजकल, ये मोबाइल ब्लर ज़्यादा हो रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ से आप भेड़ बकरियाँ जा रही है, और देखिए कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है हमारे यहाँ का। हमें पौधा लगाना है तो हम कब लगाएंगे, गुलाब का ये सब आप बोल रहे हैं, नर्सरी पे जाना पड़ेगा ना, तो कब जाएंगे नर्सरी, कहाँ होगी वो तो मालूम नहीं है यहाँ। झूठ बोल रहे, बताओ मुझे पौधा ला दोगे कि नहीं ला दोगे। तो हमको जाना पड़ेगा, एक दिन जाएंगे पक्का पक्का, क्योंकि मुझे अभी गुलाब लगाना है, क्योंकि बारिश में लगाते हैं तो अच्छे से ग्रोथ हो जाएगा। एक सॉर्ट तो लगा दिया है गुलाब का, वो हाँ वो एक बहनी तो लगा दिया, लेकिन वो शायद ग्रोथ कर जाए, सरवाइव कर जाए, नहीं कर जाए। और बकरियाँ लंगड़ा के चली गई है, मैंने एक दिन वीडियो में बोला था कि इस समय उसको दिक्कत होती है, तो सारी बकरियाँ लंगड़ा जाती है, तो लंगड़ा गई है। और ये दोनों देखो, इसको तो मज़ा आ गया। और वो लड़का बहुत शैतानी है, ये पूरा भीग रहा है इधर पे। बारिश तो अभी बारिश थोड़ी आई थी तो यहाँ पे सभी जगह पे पानी भर चुका है, तो इस पानी की वजह से देखो क्या कर रहा है। अभी पूर्वी आएगी और उसकी पिटाई करेगी, देखना तेरी पिटाई अभी होगी, होगी तेरी पिटाई हो। और यहाँ पे देखो ये सनोटी बोलते हैं जिसे हम, तो इसमें कितने ब्यूटीफुल फ्लावर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। और आजकल चिक्कू हमारे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं, तो एक दिन सोच रही हूँ इसको भी मैं निकाल लूँगी, शायद एक आध पक्का मिल जाए। तो गिरते बहुत सारे हैं, लेकिन वो सड़े हुए गिरते हैं, और वो गिरे हुए पक्षी के होते हैं तो खाते भी नहीं हैं। पर एक पक्षी यहाँ पे आया है, इस तरह से बैठा है, नहीं मिल रहा है इससे तो। पर हो गए हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े हो चुके हैं, इसको एक दिन मैं निकाल दूंगी, टाइम मिलेगा तब पकाने के लिए। और देखिए एक चिक्कू यहाँ भी गिरा हुआ है, खाएंगे, लेकिन सड़ गया है। तो इसी तरह से सभी चिक्कू सड़ के नीचे गिर जाते हैं, तो जो खाने लायक नहीं रहते। और इस बारिश के टाइम पे अक्सर ऐसा ही होता है। और देखिए ये किधर भी पड़ा हुआ है,
जो पक्षियों ने चोंच मार दी है और पूरे कीड़े लगे हुए हैं, तो चलिए इससे कीड़ों को खाने देते हैं। और यहाँ भी कितने सारे गिरे हुए हैं और देखती हूँ पके तो नहीं है, ये सब कच्चे हैं अभी तो, एक भी चीकू पका नहीं मिला लेकिन सड़े हुए मिले, कितने सारे गिरे हैं। हम लोग यहाँ पे टेरेस पे आए हैं तो देखिए सब, यहाँ सरला टेरेस पे अपना काम भी साथ लेके आती है, देखिए। काम तो करना ही पड़ता है ना। तो यहाँ क्या है, सरसों है, सरसों को साफ कर रही है। और दूसरा क्या है उसमें, मेथी दाना है, वो भी साफ करना है। हाँ, वो भी क्लीन करना है क्योंकि सोप से लाए तब से क्लीन करना जरूरी है, इसमें छोटे छोटे कंकन है तो साफ करना तो पड़ता है ऐसा। और बच्चे यहाँ